हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में ग्रीन स्क्रीन 3D विंडो वाली इफेक्ट आप कैसे बना सकते हो अपने काइनमास्टर से। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में काइनमास्टर ओपन कर लेनी है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको प्लस का साइन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से एक रेशो सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक रेशो सेलेक्ट कर ली हूँ। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर मीडिया पर चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। बैकग्राउंड पे जाकर आपको एक कलर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस कलर ब्लैक वाले कलर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कलर्स के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ग्रीन कलर की स्क्रीन ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है। ग्रीन कलर की स्क्रीन को आपको एक्सटेंड कर लेनी है। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सिंपली टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा ओवरले का। ओवरले पे चले जाना है। ओवरले में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में ये सब नहीं दिखा रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर देखिए नीचे गेट मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। गेट मोड में जाओगे तो यहाँ पर ये सारे इफेक्ट्स देखने मिल जाएंगे आपको। उसमें से आपको कौन से इफेक्ट्स डाउनलोड कर लेनी है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए आपको ये वाली इफेक्ट्स डाउनलोड कर लेनी है, 3D स्टिकर्स। ठीक है, आपको इस पर सिंपली चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको फोर्थ ऑप्शंस मिल जाएगा, विंडो वाली इफेक्ट्स आपको सिंपली इसे यहाँ से ले लेनी है। ठीक है, यहाँ से लोगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस 3D स्टिकर्स को आपको एक्सटेंड कर लेनी है जहाँ तक आपकी ग्रीन स्क्रीन है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ पे से इसे एक्सपोर्ट कर लेनी है। ठीक है, एक्सपोर्ट होने के बाद मैं बता देती हूँ आपको वो ग्रीन स्क्रीन आप अपने फ़ोटोज़ या वीडियोस में कैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट होने तक कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है ग्रीन स्क्रीन वाली। उसके बाद आपको सिंपली बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको प्लस का साइन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वो रेशो सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, रेशो सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर मीडिया पर चले जाना है। आपको एक बैकग्राउंड ले लेनी है ब्लैक कलर की। ठीक है, ब्लैक कलर की बैकग्राउंड ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर उसे एक्सटेंड कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। आपको एक वीडियो कोई भी आपको जो आपके ग्रीन स्क्रीन में लगानी है उस वीडियो को ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद अभी जो हमने ग्रीन स्क्रीन एक्सपोर्ट करी थी उसे आपको ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं ग्रीन स्क्रीन ले लेती हूँ। उसके बाद आपको इसे फुल स्क्रीन कर देनी है। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ये ग्रीन स्क्रीन वाले इफेक्ट्स को आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रोमा की पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे इसे अनेबल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो वीडियो है उसमें ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए आपकी जो वीडियो है कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में 3D विंडो वाले इफेक्ट्स बना सकते हो अपने कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के लिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।